कोरोना की बंदिशों से हिमाचल सरकार ने पाबंदियां क्या हटाई, प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए। आलम यह है कि प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े पर्यटन क्षेत्र धर्मशाला में वीकेंड पर धर्मशाला में पैर रखने की जगह तक नहीं मिल पा रही थी। लोग अपर धर्मशाला के पर्यटन स्थल ग्लोबल सिटी मकलोडगंज, भागसू नाग वाटरफॉल, भागसू टेम्पल, सतोवरी, नड्डी ढल लेक, धर्मकोट, हैनी समेत यहां के पर्यटन स्थलों पर पहुंचकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। अपर धर्मशाला में वीकेंड पर पर्यटकों की बढ़ती इस भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस की हर विंग को पसीने छूट रहे हैं। आलम यह है कि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। थाना मकलोडगंज के प्रभारी विपिन की माने तो वीकेंड पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और पर्यटकों की भीड़ पर काबू पाने के लिए बटालियन से 75 जवानों की अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी थी और इस थाना के कर्मचारियों को मिलकर इस वक्त 90 पुलिसकर्मी अपर धर्मशाला में मोर्चा संभाले हुए हैं, ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मगर उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यहां उन्हें पर्यटकों का स्वागत तो किया है और जो कोविड गाइडलाइंस को पालन कर रहे हैं, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। वहीं यहां पहुंचने पर ज्यादातर पर्यटकों के मुंह पर मास्क भी देखे गए। कुछ पर्यटक जिन्हें जुर्माने का डर नहीं था, वे बिना मास्क के जरूर दिखाई दिए। फिलहाल अपर धर्मशाला में पार्किंग को लेकर भी चिंता के बादल मंडरा चुके हैं। यहां निजी और सरकारी तौर पर पार्किंग की कैपेसिटी महज 2500 वाहनों की है, जबकि यहां 2 दिन के भीतर 3500 से ज्यादा पर्यटक अपने वाहनों समेत पहुंच चुके हैं, जो कि सबसे बड़ी चिंता का सबब बन चुका है। चूंकि ये वीकेंड में बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है, तो उसको किस तरह से यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, क्या रणनीति जो है वो आपकी ओर से यहाँ पर रखी गई है ट्रैफिक को लेकर भी और तमाम चीज़ें? मैंने इस थाना में इसी महीने, लगभग 1 महीना हुआ मुझे, मैंने ज्वाइन किया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि सरकार ने अनलॉक भी जुलाई महीने में किया है। तो मैंने देखा 3 तारीख को शुक्रवार, जो पिछला वीकेंड था, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, काफ़ी टूरिस्ट विद व्हीकल मैक्लोडगंज में पहुंचे थे। ये मैक्लोडगंज या धर्मशाला की बात नहीं थी, पूरे हिमाचल में काफ़ी टूरिस्ट बाहर से आए थे। तो और जगह जहां पर जाम लगे थे, यहां भी कुछ अलग नहीं था, लेकिन हमने फिर भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया था। इसी से अनुभव सीखते हुए मैंने इस बार वीकेंड के लिए एक स्पेशल प्लान बनाई थी, जिसमें मुझे अधिकारियों की तरफ से भी निर्देश प्राप्त हुए थे। उस वीकेंड प्लान में हमने ये निश्चित किया है कि जो भी वाहन धर्मशाला की तरफ से आ रहे हैं, उन्हें हम फरसेटगंज से बाइफरकेट करके नड्डी बाइफरकेट करके हम टेंगलवुड से होकर के मैक्लोडगंज चौक पर भेज रहे हैं। वैसे ही मैक्लोडगंज चौक से धर्मशाला जाने वाले वाहन मेन सड़क से व कुछ खड़ा डंडा से होकर के भेज रहे हैं, ताकि वाहन जो है ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशन ना हो। और हमें इस प्लान को लागू करने के लिए एसपी ऑफिस से हमें कुछ जवान एक्स्ट्रा मिले हैं, जिन्हें हमने अच्छी तरह से पॉइंट आइडेंटिफाई करके तैनात किया है, जो कि इस समय तक पिछले वीकेंड में देखा जाए तो ये जाम की स्थिति करीब 2-3 किलोमीटर का जाम था। अभी मैं आपको बता सकता हूँ, आप भी मेरे थाने के नीचे से मेन रोड जा रहा है, सभी वाहन इस समय तक अच्छे तरीके से निकल रहे हैं, कोई भी ट्रैफिक कंजेशन नहीं है। तो यही वीकेंड प्लान जो है वो हम इसको सस्टेन रखेंगे, इसको जारी रखेंगे। चूंकि इस वक्त खतरा जो है वो तीसरी लहर का है और लोग जो आ रहे हैं वो मास्क कुछ तो पहन रहे हैं, कुछ नहीं पहन रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से जो सख्ती बढ़ती जा रही है पुलिस की ओर से? हमने लोगों को अवेयर करने के साथ साथ अब लोगों पर सख्ती, काफ़ी सख्ती बढ़ा दी है। और लोगों को हमने बता दिया है कि जैसे ही आप यहाँ हिमाचल में दाखिल होंगे, आपको यहाँ के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर व मास्क लगाने के बारे में कानून की पालना करनी पड़ेगी। तो अगर आप
पालना करते हुए आते हैं तो आपका यहाँ पर स्वागत है, नहीं तो आप अपने अपने विचार से अपने इससे सोचें कि कोविड की थर्ड वेव जो आने वाली है, जिसके बारे में चेतावनियाँ पहले ही जारी कर दी गई हैं, तो उसकी गंभीरता को आप नहीं समझेंगे तो हिमाचल में भी और आप अपने लोग भी, अपना परिवार भी, सभी जो खतरे में पड़ेंगे। इसलिए टूरिस्ट समझ भी रहे हैं, बट हमने इस महीने में सिर्फ अभी 9 दिन हुए हैं, इसमें हमने 133 मास्क के चलान करके 66,500 रुपया जुर्माना वसूल किया है। लोग बहाने करके बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस का इसमें जीरो टॉलरेंस है। पर्यटकों से, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है, हिमाचल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसमें आपका स्वागत है, लेकिन अपनी सुरक्षा व अपने परिवार की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, इसके लिए आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के नियमों का पालन करना होगा। जी, गुड नेम? निधि। निधि जी, आप फ्रेंड्स के साथ आए होंगे? यस। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग, बिकॉज नोएडा की वो चलती थी गर्मी से, इट्स वेरी बेटर। तो जॉब वगैरह करते होंगे? यस। तो और कितने लोग अपने साथ आए हैं, कौन कौन आए हैं? हम लोग 5 फ्रेंड्स आए हैं। ओके। ये जो आपने जो ट्रिप बनाया था यहाँ का, तो क्या सोच के यहाँ पे बनाया था और क्या यहाँ से किस तरह की यादें लेकर जाना चाहते हैं? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम शिमला आई नेवर विजिट हिमाचल साइड, सो वी प्लान कि इस बार हिमाचल जाते हैं रेदर देन उत्तराखंड। एंड ऑब्वियसली मटलौगंज के बारे में काफ़ी सुना था कि इट्स वेरी अमेजिंग प्लेस, वेरी स्मूथिंग प्लेस, नेचर बहुत अच्छा है, दैट्स वाई वी प्लान फॉर द मैक्लोडगंज। अभी आप यहाँ पहुँच चुके हैं? Yes. तो और फर्स्ट विजिट भी आप यहाँ पर कर रहे हैं डल लेक में? Yes. इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ की इसकी सीनरी को लेकर, यहाँ के आयामों को लेकर? हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू एंड नेचर बहुत अच्छा है, एंड अभी तो हम आए हैं जस्ट, वी आर एक्सप्लोरिंग ऑफ। तो आप लोग जो है वो जो थर्ड वेव की बात की जा रही है उसको लेकर कितना अवेयर हैं और आप? वेरी मच, एवरीबडी आई थिंक अवेयर राइट नाउ, पर बहुत से लोग जो है वो मास्क जैसे मतलब वो नहीं पहन रहे हैं, ये सारी चीज़ें। बट आई थिंक इन हिमाचल देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल अबाउट द मास्क, राइट? एवरीवेयर इज लाइक पुलिस इज हियर, सो आई थिंक देयर इज अ वेरी मच, दे आर टेकिंग मोर प्रोटेक्शन अबाउट इन दैट, बिकॉज आई थिंक अभी सबसे ज़्यादा क्राउड हिमाचल की तरफ, यार बोला जा रहा है कि हिमाचल से ही थर्ड वेव के आने के चांसेस हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा आधा से ज़्यादा दिल्ली यहाँ पर है। सो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है रिलेटेड टू द मास्क एंड बेसिक द हाइजीन एज वेल। Would you like to give a suggestion for the another tourist? Definitely, यही mask पहनो, sanitizer use करो, basic protection रखो, social distancing रखो, जितना हो सकता है अपनी तरफ से protections लो, because it's very important. जी, good name? धर्मेश कुमार शर्मा। धर्मेश जी, कहाँ से आए हैं? हम नोएडा से आए हैं। अच्छा, नोएडा से आए हैं जी। तो यहाँ तक पहुँचने में किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं हुआ, बहुत इजी था, बहुत अच्छा सफ़र था, थोड़ी बारिश हुई थी, बट दैट इज़ वही हम लोग चाहते थे कि थोड़ा मौसम ठंडा हो, क्योंकि नोएडा दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर घूमने आए हैं। और बाकी आप जानते हैं कोरोना का टाइम था, बहुत टाइम से हम लोग घर पर 2 साल से बैठे हुए हैं, बट थोड़ा सा चाहता था, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी वाला बंदा है जो पूरे दिन काम करता रहता है, उसको भी थोड़ा सा फ्रेशन अप होना चाहिए, तो वही फ्रेश होने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ताकि हम वापस जाएं फिर अच्छे से और काम कर सकें। इससे पहले हिमाचल कभी आप आए हैं या फिर धर्मशाला को भी आपने चुना? नहीं, मैं हिमाचल नहीं आया, मैं इससे पहले उत्तराखंड ज़्यादा घूमा हूँ, बट एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में हैं, तो मेरा हमेशा से पहाड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, तो मेरे को जब भी पहाड़ आते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ों पर आना बहुत बहुत पसंद करता हूँ मैं। तो बहुत से डेस्टिनेशन है वैसे हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि शिमला है, मनाली है और बहुत है, लेकिन आपने धर्मशाला को चुना, यहाँ पे आए, क्या पहले सुन रखा था यहाँ के बारे में या फिर यहाँ पे आर्मी एरियाज हैं इसलिए? नहीं, आर्मी एरियाज नहीं, मैंने धर्मशाला के बारे में सुना, एक हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना है वो भी है, प्लस मैक्लोडगंज ट्रिवन ट्रैक जो कि उसकी फ़ोटोज़ ऊपर से देखी, वो सब हमें खींचती हैं इस तरफ पहाड़ों की तरफ, तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ की डेस्टिनेशन जो है वो आपकी कसौटी पर खरा उतर रही है यानी? जी, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ का, मतलब यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब वेलकमिंग है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। और बाकी अभी मैं अभी निकला हूँ होटल से, जस्ट फ्रेशन अप होके अभी डल लेक देखने आया हूँ, फिर मैं अभी भगसुनाग टेम्पल वाटरफॉल जाऊँगा, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ की ट्रैफिक प्लान को लेकर, ट्रैफिक में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं, अभी तक तो मैं तो सुबह मॉर्निंग में आ गया था, तो कोई ट्रैफिक का दिक्कत नहीं था, अभी थोड़ी बहुत ट्रैफिक हो रही है, बट आई थिंक पुलिस वाले अच्छे हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू।
सर गुड नेम रमन कुमार। रमन जी कहाँ से आए हैं आप? जी हम अमृतसर से आए हैं, पंजाब से। अमृतसर से? पंजाब से। अमृतसर फैमिली के साथ आए? फैमिली के साथ आए। अच्छा, तो कितने दिनों के लिए आए थे धर्मशाला? जी हम आए हैं 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के लिए? तो अभी घूम लिए या वापस? अभी घूमना है, अभी घूम कर अभी फिर जब वापसी होटल पे जाएंगे, होटल पे होकर फिर हम कहीं जाएंगे घूमने के लिए, फिर वापसी जाएंगे। अच्छा, तो फैमिली में कितने लोग हैं? जी मेरी फैमिली में 4 हैं, 2 हम और 2 बच्चे। तो अभी कैसा लगा ये शहर का? जहाँ जहाँ शहर तो देखो अच्छा है, शहर अच्छा है, लेकिन जैसे गर्मी है, सर्दी है, कभी सर्दी हो जाती है, सर्दी तो होती ही नहीं है, कहीं कम हो जाता है, बल्कि ठीक ठीक मौसम है। अच्छा ठीक है, मौसम रहने के लिए है ठीक है, यानी ठीक है। तो अच्छा, जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं, जो कोरोना की है, तो उसको लेकर आप कितना सजग हैं? देखो जी, कोरोना के लिए हम ये कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं अपना ध्यान रखो जो भी है, तो ऐसे ही चलता है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन सीरियसनेस कहीं है ही नहीं मतलब? नहीं सीरियस देखो जो गवर्नमेंट कहती है वो है तो है ही है फिर चीज। तो फिर मास्क वगैरह बहुत कम देखे जा रहे हैं? मास्क देखो मैं भी भूल गया हूँ, हम भी लगाना भूल गए मास्क, अभी गाड़ी में पड़ रहा है वो लगाना भूल गया, एकदम बाहर आना पड़ा, आपने बुलाया एकदम आओ, जो बाहर आना पड़ा हमें। अच्छा चलो ठीक, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे मास्क को लेकर? क्या कहना चाहेंगे मास्क को लेकर? ये कहना चाहेंगे कि जैसे मास्क में धूल मिट्टी कोई भी डस्ट नहीं जाती, मास्क की बड़ा अच्छी बात है, वो डस्ट नहीं जाती अंदर।